क्या कभी आपने ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां लड़के लड़कियों की शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उस गांव में पानी, बिजली और सड़क सुविधा नहीं है? अगर नहीं तो आज हम आपको एक ऐसा गांव दिखाते हैं जो अपनी दास्तां खुद बयां कर रहा है। इक्कीसवीं सदी में जब हम मंगल ग्रह पर जाने की बातें करने लगे हैं, हिमाचल में एक गांव ऐसा भी है जहां कुंवारे लड़के लड़कियों की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहां अभी भी मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। हैरानी की बात यह है कि हिमाचल के सबसे ज़्यादा प्रगतिशील जिले सोलन से कुछ चंद कोस ही दूर यह गाँव बांदल स्थित है। यहाँ पर रहते इंसान जानवरों और आदिवासियों की तरह जीवन यापन करने को मजबूर है। यहाँ रह रहे इंसान अभी भी लगता है 21वीं सदी में नहीं बल्कि किसी 17वीं या 16वीं सदी में जी रहे हैं, क्योंकि इस गांव में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना सड़क है, ना पानी और ना ही बिजली। और अगर इस गांव में कोई भूले से आ भी जाए तो फिर ऐसे गांव में दोबारा आने से कान पकड़ लेता है, जिसकी वजह से कई युवक युवतियों के रिश्ते टूट चुके हैं। कोई रिश्तेदार लगाने आते हैं बच्चों के, वो बोलते हैं कि हम आने नहीं भाई, यहाँ लड़की देनी, यहाँ तो कोई भी सुविधा नहीं है जो सरकार देती है, तो यहाँ कोई भी नहीं है, ना कोई रास्ता बनाता, ना कुछ नहीं है। 10-11 के लड़के लड़की हैं यहाँ पे कि जिनके घर शादी भी नहीं हो पा रही। भाई यहाँ ये है भाई, ना तो हमारे एक तो पानी की नसीबत है, पानी नहीं होता, और 3-3, 4-4 घरों के लिए एक नलका रखा हुआ, और एक हमारे को रास्ते की रास्ते में एक बंदा भी नहीं चल सकता। इन गांव वालों की माने तो गांव में पानी की इतनी गंभीर समस्या है कि उन्हें गांव में स्थित ऐसे प्राकृतिक स्रोत का पानी पीना पड़ रहा है जो पानी पीने योग्य ही नहीं है। कई बार तो इन्हें पानी को छान कर उपयोग में लाना पड़ता है। गाँव वालों की माने तो जानवर और गाँव वासी एक ही स्रोत से पानी पी रहे हैं। गाँव वाले घरों को पक्का भी नहीं बनवा पाते क्योंकि कोई भी सड़क गाँव तक नहीं पहुँचती है। पैदल चलने में भी उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव वालों की माने तो सरकार ने 3 नल जरूर लगाए हैं, लेकिन इनमें कभी कभी ही पानी देखने को नसीब होता है। गांव वालों का कहना है कि चुनावों के वक्त तो नेता वादे करते हुए यहां खूब दिखते हैं, लेकिन चुनावों के बाद कहीं विलुप्त हो जाते हैं। उनका खामियाजा आज तक उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यहाँ तक कि गाँव के युवाओं की शादी तक नहीं हो पा रही और ना ही मेहमान उनके घरों में आना पसंद करते हैं। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट।